बकरे वारो 20,000 रुपये दानू आ 20,000 रुपये दानू आ बकरे वारो। खा पुट खा सुभाणे वही कुर्बानी देणी है तो के खा खा सही तरह दा खा मुर्गी बकरो ही तो विकणी मुर्गी वच मुर्गी कुर्बानी दे हिन दौर में तो मुझी मैं वच मैं जी कुर्बानी दे लेकिन असाए बकरे को गोश्त खपे बाबा बकरो जो का सो 20,000 रुपए जो है कुछ गच करयो ना गच घर में मानी पचे दी या कोनी पचे ना अला इतरो 20,000 रुपया करे बिल्कुल बिल्कुल बकरो 20,000 रुपए अकड़ो है बहुत गुस्सा कर रहा है। हाँ ये अभी आप बात गलत कर रहे हैं ना तो ये गुस्सा कर रहा है तभी तो आप ये बताओ कि आपको फाइनल ये बकरा लेना है। जी हमें लेना है। हाँ तो आप ऐसा करो ये पकड़ो ये 17,000 रुपए का पैसे आपको पेमेंट ईद के बाद मिलेगी। ईद के बाद ये यार बकरा भी ले रहा और पैसे भी ईद के बाद दे रहा ऐसे इंसान या अल्लाह यहाँ से उठा ले या फिर ऐसे ही उठा ले। यार क्यों क्या हो गया यार आप बकरे ले रहे हो और आप पैसे आप वो तो पहले आपको जानता भी नहीं हूँ ये कुर्बानी करने देगा हमको नहीं ये आपको ये हमको कुर्बानी करके देगा ये आपको कुर्बानी नहीं करके देगा आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन ये गिरेगा सही हमसे। भाई आप इसको ऐसे पकड़ो ना ये देखो ऐसे इसको पकड़ना है ऐसे ऐसे पकड़ के या अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर सीख लिया ना फिर वो टांगे मारेगा फिर हो फिर वो आपकी किस्मत है हमारी अगर आपकी किस्मत में जूते खाना ही नसीब है तो फिर हमारा क्या करा बुदे पे हो तो हमें आप कोई ऐसा दे दो कि जो भाई मेरे हमारे पास ये आपके पास कसाई है हमारे पास आखिरी ही ये कसाई है। हां कसाई हमारा कहां गया कसाई हो कसाई इधर आ इधर आ सारा मारो इधर आ ये कसाई वो कसाई साला भाग रहा है वो कहता है मैं काम नहीं कर रहा आप कसाई का खड़ो कसाई यहाँ पर आते हैं आप कसाई कर लेना हाँ मैं कर लूँगा आप बकरा ले लो बस बस ठीक है फिर भाई रस्ते बतरे कर दीजिए ना बजी हैं दो रस्ते वाले अब ये मेरे काबू है अल्लाह का शुक्र है मेरा बकरा अल्लाह का शुक्र है पीछे आया ये वो ठीक है भाई अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाइयों आप सबको पहले तो बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो आई होप आप सबको ये हमारा पागलपन जो है ये फनी वीडियो थी एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप जस्ट अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मज़े में होंगे और आई होप आप सबको भी बहुत इंतज़ार है ईद उल अज़हा का और आप लोग भी जो है ईद के लिए लाजमी तैयारी करें तो मैंने भी अपनी तैयारी करी रखी है। तो ये मेरे भाई ये मेरे दोस्त हैं ये देखो बहुत गु़स्से में आज क्योंकि ये इसका आज आखिरी दिन है और शायद कल ये ज़बह हो जाए पता नहीं तो ऑब्वियसली ज़बह ही होना है इसने तो आज बहुत गु़स्से में कंट्रोल में भी नहीं आ रहा है। मैं भी आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरा लिया हुआ है तो या आपका कहीं किसी चीज़ में हिस्सा है तो मेहरबानी करके वो जो गोश्त है उसका वो घर में ना रखें गरीबों में बांटें गरीबों में तकसीम करें उसको और घर में प्लीज़ ना रखें घर में रखें अपने हिस्से का जितना आप खा सकते हैं उतना हिस्से का रखें लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें इस चीज़ का मतलब ये है कुर्बानी सेक्रीफाइस तो प्लीज़ अब जो है गरीबों में गोश्त बांटें और गरीबों को दें ताकि अल्लाह हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमाए एंड आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलो हम भी चलते हैं अपने घर।